Chubby.
रिकॉर्डिंग हो गई भाई। सचिन हाय गाइस सारे फोकस है बाकी बैठे रहेंगे बाकी छात्र आए थे यदि मेरी आवाज पहुंच रही है सरपंच जी खड़ा है आज है दिनेश गुरु जी देव व्याख्या था इतिहास आज राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इसी उपलक्ष में हम सब यहां एकत्रित हुए हैं। बस शगुन का दे दो रुमाल लेना
श्री रामदास यादव जी और भाई जयसिंह जी स्थानीय विद्यालय के आशीष द्वारा माल्यार्पण व छापा द्वारा स्वागत करते हुए स्वागत कर रहे हैं श्री कैलाश जी शर्मा जो पापा करेंगे जो भी स्थानीय विद्यालय से जो भी कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्त होता है तो विद्यालय की परंपरा रही है कि उसके जीवन पर आधारित एक अभिनंदन पत्र हम तैयार करवाते हैं जो उसको भेंट करते हैं ताकि सभी को आज का यहाँ उपस्थित होने पर आपका बहुत 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 अभिनंदन है। वो भी घर छोड़ करके जाती है तो कितना एक दुखदायी माहौल होता है। बेटी को विदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आगे भी एक अच्छा दाम्पत्य जीवन समाज को भी आपका अनुभव का ज्ञान देते रहें। अब एक घोषणा और बाहर से आए हुए रिश्तेदार एवं ग्राम पंचायत से जो भी मेरे मित्र और मिलने वाले सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और विशेषकर जो गुरुजी हैं तोताराम जी इन्होंने 35 साल 6 माह की जो समस्त स्टाफ साथी और तोताराम जी के जितने भी रिश्तेदार गांव से पधारे इसके भाई बहन बड़े भाई आज हमारे बड़े भाई तोताराम जी का सेवानिवृत्ति समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। विदाई तुम्हारी
समारोह में पधारे हुए पूर्व सरपंच महोदय, हमारे एसडीएमसी के सदस्य श्री कैलाश जी, हमारे पड़ोसी विद्यालय से पधारे हुए व्याख्याता और हमारे पीओ के अंडर में आने वाले अजीत पुराकला के प्रधानाध्यापक व उनका स्टाफ और हमारे ही विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हमारे दो अध्यापक श्री राम निवास जी व जय सिंह जी, तोताराम जी के घर से पधारे हैं उनके रिश्तेदार ग्रामवासी, बहुत ही अच्छे वर्कर और सरल स्वभाव व्याख्याता श्री तोताराम जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मेरे को इनके साथ लगभग 2.5 साल हो गए। मैंने तोताराम जी को कभी भी किसी से लड़ते हुए या ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं सुना। कभी भी इनको कोई भी काम दिया गया, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये काम मैं कैसे करूँ। नहीं, इन्होंने हर काम को, मतलब इनके लिए कोई काम जैसे कोई कभी भी कह दो हाँ मैडम मैं कर लूँगा। मेरे को सबसे ज़्यादा विश्वास इन पे था कि इनको कोई भी काम दूंगी चाहे कैसा भी काम हो, ये कभी भी उस काम को गलत नहीं करेंगे, सही करेंगे, पूछ के करेंगे, मेरी मर्जी की बिना नहीं करेंगे। मेरे को इतना विश्वास था, ये बहुत विश्वास पात्र आदमी थे। लेकिन और ये बोर्ड जैसा बड़ा चार संभालते थे, लेकिन आज क्या करें, अब इनकी उम्र जो है, जैसे शोपाल जी ने बताया कि ये एक नियम होता है कि जब आदमी कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी इनके जैसा सीधा शायद स्टाफ मिलना बहुत मुश्किल है। काम करने वाले तो मिल जाएंगे लेकिन विश्वास वाले नहीं मिलेंगे। तो मैं तो ये कहूँगी कि तोताराम जी ने जिस तरह से आज कोई भी स्टाफ इनकी बुराई नहीं करता, दूसरों के लिए कह देगा लेकिन इनके लिए कभी नहीं कहेगा तोताराम जी ने ये किया। नहीं, तोताराम जी के लिए तो बच्चे भी नहीं कहेंगे कि तोताराम जी ने हमें डांटा। मतलब बच्चों से भी प्यार लगा होता है इनको, स्कूल से भी लगा होता है, स्टाफ की भी रिस्पेक्ट करते थे, अपने से छोटों को भी रिस्पेक्ट करते थे। ऐसा नहीं है कि हाँ ये व्याख्याता है, लेक्चरर है या सीनियर थे तो ये वो करते, नहीं, कभी इन्होंने किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा, किसी काम को इन्होंने छोटा बड़ा नहीं समझा। सभी भाई होगा भैया क्यों मेरे साथ एक फोटो हो रहा है भाई सत्रह के भाई और सबको देखो खुद देखो अभी Oh,
Thank you.
खूब लेना एक 15-20 ले गुरुजी साइड देखो एक बोल लो अरे मानो ना ये उसमें लेता होगा ना कितना लग रहे हैं कोई भाई देखो आगे हाँ
बच्चा ने प्ले देखो गुरु जी बाहर भी थर सेट करना पड़े जी दो मैर हाँ दो उड़ा दो सॉल को उड़ा दो लगा लो आप माला के हाथ लगा लो जी एक और ले ले सही नहीं आगे नजदीक हो जाए आप भी हाथ लगा लो ना सर ये का ये वाला नीचे करो मेरा सामान बहुत बहुत मुबारक हो आपको।